नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। शिव मंदिर में आज भी रेस्क्यू जारी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 14 अगस्त को 8 शवों को निकाला गया था, 15 अगस्त को 4 शवों को निकाला गया था और 16 अगस्त को एक महिला का शव वहां पर निकाला गया था। तो आज भी रेस्क्यू जारी है। हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज चौथा दिन है जो शिमला के जो बाड़ी जो शिव मंदिर समय हिल में है, जो वहां पर जो बादल फटा था और जो तीन दिन तक लगातार जो रेस्क्यू कार्य था जारी था, आज चौथे दिन भी लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। यदि बात की जाए, ये जो बादल फटा था यह 7 बजे के करीब 14 अगस्त के दिन फटा था। उस दिन 8 शवों को यहां से निकाला गया था, वहीं जो 15 अगस्त को 4 शवों को निकाला गया था। इसके अतिरिक्त 16 अगस्त यानी कि बीते दिन एक महिला का शव मिला था जो कि 32 वर्षीय थी। वहीं एक व्यक्ति का कटा जो बाजू था वो मिला था। वहीं आज जो चौथे दिन भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। जो शिव बॉडी है वहां तक जो रेस्क्यू कार्य था पूरी तरह से हो चुका था, उस मलबे को हटा दिया गया था, साथ ही वहां की पूरी छानबीन कर दी गई। अब जो शक है वो यह है कि जो 2 किलोमीटर तक जो बादल अडवास नदी से फटा था, नाले की तरफ जो मलबा गया था, अब आशंका जताई जा रही है कि जो अन्य लोग जो दबे हो सकते हैं वो उस क्षेत्र में हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 12 से 13 लोग मिसिंग है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग मिसिंग है वो शायद मलबे के साथ नाले की तरफ चली गए हो। आज जो NDRF, SDRF, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, इसके अतिरिक्त जो आर्मी के जवान है जो रेस्क्यू कार्य करेंगे, आज जो शिव मंदिर से जो नाले की तरफ है वहां पर रेस्क्यू करेंगे। खासकर जो रेस्क्यू कार्य है वो शुरू हो चुका है और लगातार जो रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। वहीं इस समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग इस वर्षा से लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है और जो ये अनुमान है कि जो ये आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय बनी है। कांगड़ा में जिस तरीके से जो पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया था, अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय है। यदि बात हिमाचल प्रदेश की सड़कों की करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी छोटी मोटी यानी कि संपर्क मार्ग को लेकर जो अन्य जो छोटे मोटे मार्ग है उनको लेकर भी 500 से अधिक सड़क मार्ग बाधित है। वही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की लगभग 2300 जो रूट है उनमें भी बसें नहीं चल रही है। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी है, पेयजल योजनाएं ठप है। नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो शिमला चंडीगढ़, चंडीगढ़ मनाली में भी जो लगा जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ऐसे में जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय बनी है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि 19 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के 8 जिला शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर समेत अनेक क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री अधिकारी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि खासकर नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। जब वर्षा होती है तो नदी नालों की तरफ जो जल स्तर है अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां जाना जोखिम भरा है। और इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र ऐसे जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। जैसे कि चक्की मोड़ की बात करेंगे, जो शिमला चंडीगढ़ के बीच है वो जो चक्की मोड़ है अभी भी लगातार वहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, तो खासकर वहां की स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी है। वहीं अगर शिमला की बात करें तो हिमलैंड में अभी 6 मंजिला जो मकान है वो भी हवा में लटका हुआ है, वो कभी भी गिर नहीं सकता। जिस तरीके से वर्षा रुक गई है, वर्षा रुकने के बाद जो मिट्टी है वो फैल जाती है, जब फैलती है तो कहीं ना तो कहीं लैंडस्लाइड की अधिक संभावना रहती है। वहीं हाईकोर्ट की बात करें, वहां भी कई इमारतों को खाली किया गया है। लिफ्ट जो कि शिमला का लिफ्ट है, वहां भी कई इमारतों को खाली किया है, वहां पर दरारें आ चुकी है। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय बनी है। वहीं अभी 1 माह और वर्षा होनी है, तो ऐसे में स्थिति और अधिक दयनीय बन सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी लोगों से आग्रह किया है, खासकर वह घरों से बाहर ना निकले, अनावश्यक यात्रा ना करें, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में यात्रा करना सेफ नहीं है। वहीं आज जो 16 अगस्त तक पहले शिक्षा संस्थानों को बंद किया गया, वहीं अब आज भी शिक्षा संस्थानों को 17 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय को 19 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को 20 अगस्त तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी है। खासकर जो यूनिवर्सिटी की तरफ जो अभी जो बादल 14 अगस्त को फटा था उसके कारण जो समय हिल के लिए सड़क मार्ग जाता है और दूसरा जो यूनिवर्सिटी को सड़क मार्ग जाता है, दोनों ही सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बाधित है। लगातार आपको अपडेट।